दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी टॉपिक फ्री नोटिफिकेशन आपका चला जाएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। दोस्तों, बिल्कुल फ्री चैनल। तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपके बताऊँगा जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा होता क्या है? देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं ऑलरेडी जीवन रेखा के बारे में या फिर लाइफ प्लान के बारे में दो वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो है। आज मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो के आखिर में आपको आई बटन पे दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, शुक्र के एरिया कहते हैं दोस्तों, इसको हम मंगल के एरिया, जो हमें नेगेटिव मंगल, इसको हम पॉजिटिव मंगल, इसको हम राहु के एरिया कहते हैं, इसको मून और इसको केतु। यहाँ पर जुपिटर, सैटर्न, सन और मरकरी मरकरी के एरिया कहता है। दोस्तों, मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जो जीवन रेखा चल रही थी दोस्तों, इस जीवन रेखा के बीच में एक तिल आ जाए, छोटा सा एक तिल, काला सा एफेडेट, तो क्या होगा दोस्तों, जिस एज में ऐसा तिल आएगा और जीवन रेखा चलते चलते गैप में अगर तिल मिले खास करके, तो दोस्तों इस गैप में अगर तिल मिल जाए तो क्या होगा दोस्तों, इस व्यक्ति को कोई मेटल से कोई आघात मिल सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। सपोज किसी ने बुलेट मार दिया, बुलेट से कोई परेशानी, फिर किसी मेटल से परेशानी हो सकता है लाइफ में, एक बार ना एक बार जिस एज में होगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अगर इस रेखा में दोस्तों नॉर्मल रेखा चल रही है दोस्तों और उस एरिया में एक तिल मिल जाए दोस्तों, तब को क्या होगा दोस्तों, तो इस व्यक्ति जो होगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा झमले में पड़ेगा, लोगों के झमले में, दूसरों के झमले में, यहाँ तक कोर्ट केस भी चल सकता है, लोग इसके ऊपर कोर्ट केस भी कर सकते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को सावधान रहना है, जिस एज में खास करके वो आएगा तिल, उस एज में जाके परेशानी हो सकती है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, सपोज़ दोस्तों जीवन रेखा चल रही है दोस्तों, जीवन रेखा के बीच में ऐसा एक आइलैंड बन गया, छोटा सा, एकदम छोटा, आपको ऐसे से दिखता नहीं, ऐसा चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा एक आइलैंड बन गया, जिस एज में जाके उस एज में जाकर इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, हेल्थ इशू हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर फाइनेंशियल लॉस होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों भाग्य रेखा में दिखेगा, जो भाग्य रेखा यहाँ पर होती है दोस्तों। अगर हेल्थ इशू होगा तो यहाँ पर हेल्थ की जो लाइन होती है दोस्तों, इस यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ देखेगा दोस्तों। यहाँ पे हाथों में कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा, तो आपको देखना है ऑल ओवर हेल्थ के एनालिसिस करके आपको पता ना है जहाँ तक कि कौन सी परेशानी होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आइए कुछ पॉजिटिव साइन की बात करती है दोस्तों। जो लाइफ लाइन चल रही है दोस्तों, यहाँ से कोई लाइन दोस्तों बुध के एरिया पे जा रही है दोस्तों, बिना कटे फटे सीधे बुध के एरिया पे, जो मैंने कहा था मरकरी एरिया, यहाँ पर आ रही है दोस्तों। तो क्या होगा, इंसान हेल्थ इश्यूज से बहुत ज़्यादा सस्त रहेगा, हेल्थ इश्यू इतना ज़्यादा नहीं आएगी, बातों में निपुण होगा, पैसे बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि हेल्थ सही रहेगा तो पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं, कॉमर्शियल लाइन बैंकिंग सेक्टर में बहुत काम कर सकते हैं दोस्तों, पानी इनकी निपुण होगी और लोग इनसे मजबूत लगे, मतलब दोस्तों लोगों को अपनी बातों के जरिए से फंसा भी सकते हैं दोस्तों, किसी काम भी निकाल भी सकते हैं, इस तरह के इंसान होते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों जीवन रेखा से कोई रेखा सूर्य पर्वत तक जाए तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया साइन होता है दोस्तों। क्यों, सूरज की तरफ जब भी जाए दोस्त, ये इस तरह के इंसान देश विदेश में बहुत ज़्यादा भ्रमण करते हैं, नाम इनके बहुत दूर तक फैलते हैं दोस्तों, लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याति अर्जन करते हैं, बहुत करके अगर आप देखेंगे दोस्तों, चार्ल्स डार्विन, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके हाथ में भी सेम ऐसी रेखा थी जो दोस्तों यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से सीधा सूर्य के पर्वत तक जा रही है। ऐसे दोस्तों जिस व्यक्ति का भी होता है लाइफ में, उस एज में आके बहुत ज़्यादा नाम लोगों के मुँह में जाता है दोस्तों, लोग इनको पहचानते हैं, लोग इनके बारे में बहुत जानते हैं दोस्तों। इसके तरह दोस्तों तीसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, अगर दोस्तों कोई भी रेखा आपको जुपिटर, तो वहाँ पर एक जुपिटर माउंट, ऐसा माउंट है, अगर वहाँ पर कट आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है, इसको तो हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्यों इस एज में जाकर इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, लेकिन जब भी दोस्तों कट आ जाएगा उस लाइन में, इंसान बहुत काम करेगा, चाहे धर्म के मामले में हो, चाहे अब्बानी के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में काम करेगा, नाम बहुत ज़्यादा यश बढ़ेगा, किसी ना किसी काम में व्यस्त रहेगा, लोगों से इनके जान पहचान होगा, लोग इंसान के सलाह मांगेंगे, कहने के सर में थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया साइन होता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, ये जो जीवन रेखा चल रही है दोस्तों, यहाँ से अगर कोई रेखा आके शुक्र के माउंट से ऐसे कट कर जाए, देखे कोई रेखा कट कर जाए, तो फिर दोस्तों बहुत बुरा था, खास करके इस एज में जाकर अगर लड़का है तो कोई ना कोई फीमेल से इनको परेशानी होगी, मतलब दोस्तों चैत्र दोष भी लग सकता है, अगर दोस्तों शुक्र के माउंट बहुत ख़राब हो तो,
अगर दोस्तों यहाँ फीमेल से कोई ना कोई परेशानी, इसलिए इस व्यक्ति को कहा जाता है ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं ना कहीं दोस्तों लड़की उससे दूरी बनाए, कितना जरूरी है उतना ही बात करें दोस्तों, क्योंकि इस एरिया से फीमेल से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर से प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों, फैमिली कोई मेम्बर आपको चीट कर सकता है, तो संभाल कर रहना पड़ता है दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर कट मिल रहा है दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, एक जीवन रेखा ऐसी चलती है दोस्तों, तो इंसान की इस एज में जाके, जिस एज में थोड़ा सा घूमेंगी फिरेगी, यहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा परेशानी होगी दोस्तों, हेल्थ इशू हो जाए, मेंटल इशू हो जाए, शरीर में एनर्जी की कमी यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। तीसरा दोस्त और एक दोस्तों आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसके साथ साथ जीवन रेखा तो ऐसे चल रही है दोस्तों, ऐसे चलने वाली, यहाँ से कोई रेखा अगर केतु के माउंट की तरफ आ जाए तो दो साइन हो सकता है। पहला, इंसान के इस एज में आकर बीमारी हो सकता है, और बीमारी के कारण दोस्तों इंसान को विदेश में जाकर सही करना पड़ सकता है, या फिर दोस्तों काम के सिलसिले में, कोई भी सिलसिले में जाकर विदेश जाकर बच सकते हैं दोस्तों। इसी वजह से आपको देखना होगा परमानेंट विदेश सेटल होने के लिए आपको देखना पड़ेगा, रेखा ऐसे चल रही है दोस्तों और ऐसे जाकर घूम गई तो आप समझ लीजिए ये व्यक्ति जो है परमानेंट विदेश सेटल हो जाएगा एज में जाकर, जिस एज में मूड है। लेकिन दोस्तों अगर यही रेखा चलते चलते से मूड गई और यहाँ से शाखा जा रही है, तो एक कह सकता है इंसान तो विदेश सेटल होगा लेकिन सर्टेन एज के बाद फिर से इनको इंडिया लौट के आना पड़ेगा, फिर से अपने देश के ऊपर लौट के आना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कुछ रेखाएँ होती है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों किसी व्यक्ति के, जैसे आप इनमें भी देख सकते हैं दोस्तों, जीवन रेखा चल रही है दोस्तों, मस्तिष्क रेखा चल रही है दोस्तों, और जो दोस्त आपके हृदय रेखा है वो आकर ऐसे जुड़ के, तो है दोस्तों बहुत ही बुरा साइन होता है। इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला, जिद्दी वाला होता है, मतलब उसका जीत अगर नहीं हो तो इंसान टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड तक अटेंड भी कर सकता है। इसलिए आपको पूरा हाथ का एनालिसिस करना पड़ेगा, जब इस चीज़ को देख कर बता नहीं सकते इंसान क्या करेगा नहीं करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरा जीवन रेखा के साथ एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखनी पड़ती है दोस्तों, सपोज़ जीवन रेखा में बहुत ज़्यादा राहु रेखा से कट कर रही है दोस्तों, राहु रेखा कट कर रही है, पर दोस्तों मंगल से कोई रेखा का कट कर दे, तो अगर मंगल से रेखा आके कोई कट करेगी दोस्तों इस एरिया से, फिर इस एरिया से आके कोई कट करेगी तो इंसान को कोर्ट मुकदमा ऐसा कुछ हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर परेशानी हो सकता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर राहु से करेगा तो राहु हेल्थ इशू ला सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी ला सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ और एक होता है दोस्तों, जीवन रेखा चल रही है दोस्तों, लेकिन यहाँ से छोटा छोटा लाइन ऐसे उठ रहा है, तो बहुत ही छोटा छोटा, तो इसे पोकेस लाइन कहते हैं। यूँ समझ लीजिए क्योंकि इस एज में जाके इंसान को तरक्की मिलेगी, चाहे जॉब के सिलसिले में, चाहे प्रमोशन, किसी भी काम के सिलसिले में कोई ना कोई प्रमोशन मिलेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों यही रेखा अगर त्रिकोण कोण जैसे बना रहा है दोस्तों, मतलब ऐसे अगर कोण हो रहा है दोस्तों, तो भी ऐसे ही बहुत ही बढ़िया होगा, इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी से गेन हो सकता है, किसी न किसी से बहुत ज़्यादा गेन होगा उस एज में जाकर, चाहे वो दोस्तों शेयर मार्केट से हो, चाहे प्रॉपर्टी से हो, कोई ना कोई बड़ा गेन होगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई रेखा राहु से आके यहाँ पर कट करे तो यहाँ पर कोर्ट लिटिगेशन का मामला भी हो सकता है। तीसरा दोस्तों, जीवन रेखा में ऐसे स्क्वायर बन गया दोस्तों, तो एक कह सकता हूँ इस एज में जाकर इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कोर्ट के मामले में, क्यों दोस्तों यहाँ पर जेल भी हो सकता है, तो आपको पूरा हाथ का एनालिसिस देखना पड़ेगा। जीवन रेखा में क्रॉस आ जाए तब भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर तो सावधान रहना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी एनालिसिस करने से पहले आपको दो तीन चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा दोस्तों, पहला देश, समय, काल, पात्र, आपको देखना पड़ेगा हाथ का कलर, चौथा दोस्तों आपको देखना पड़ेगा इसके साथ साथ टाइप ऑफ हैंड्स। देखिए अगर फायर टाइप के हाथ में बुरा साइन हो तब ये बहुत ही बुरा होता है, अगर हाथ भी बहुत ज़्यादा लाल हो दोस्तों, अगर वो इंसान ऐसे किसी कंट्री में जाए जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो तो ये बहुत ही बुरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर दोस्तों अर्थ टाइप के एलिमेंट में रहे तो ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी ला सकता है, तो आपको हाथ देख कर कोई भी साइन का बारे में बताना, सिर्फ एक प्रिडिक्शन को लेकर आप चल नहीं सकते, हाथों के बाकी साइन भी आपको कोई ना कोई फॉर्म देते। देखिए दोस्तों जब भी मैरिट होगा आपको जीवन रेखा में देखने को मिलेगा, जब भी डिवोर्स होगा आपको जीवन रेखा में देखने को मिलेगा, लाइफ में कोई भी जो सर्टेन चेंज आता है बड़ा आपको जीवन रेखा में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों जीवन रेखा को अगर कैलकुलेट करना है तो बहुत सारे ज्योतिष बहुत सारे उपाय लेते हैं। अगर नॉर्मली हम 120 लेंगे जो जीवन रेखा की आयु होती है दोस्तों, हम इसको 120 लेंगे,
पूरा घुमा के 120 आता है दोस्तों, लेकिन आजकल के ज़माने में लोग इसे 100 लेते हैं और कोई इसको कम भी कर सकता है, वो अपने किस सिलसिले में होगा। अगर 100 लेंगे दोस्तों यहाँ से कट करेंगे तो 50 आएगा, अगर दोस्तों 120 लेंगे तो 60 आएगा। इस तरह से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आयु निकाल सकते हैं किस एज में जाकर कौन सी परेशानी होगी दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम किसी भी जगह फॉलो कर सकते, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं फ्री रहूँगा, जरूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी वीडियो देखते रहना।